गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सबुदिन परी आज सकाळर प्रत्येक खबर जानिबा आपण मानको पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तबे बास आगामी किछि मिनिट मध्यरे देश विदेशर बछा बछा केते बडे गुरुत्वपूर्ण खबर अपडेट ए भिडियो आपण माने जानिबा पई पाइबे। एणु आपण समस्तंकु अनुरोध निश्चित भाबरे भिडियोटिकु शेष पर्यंत देखंतु, जाहाद्वारा सबु खबर संपर्करे आपण माने जानि परिबे। आउ ता सहित भिडियोकु निस्ताबरे लाइक करबा सहित एबे व्हाट्सएप फेसबुक सबाडे भिडियोकु शेयर करनिंतु। आउ चैनलले नुआ आसतिले एपर्यंत सब्सक्राइब करनथिले चैनलकु सब्सक्राइब करबा सहित पाखरते बेल आइकनकु ओन्दे प्रेस कर रखंतु आमर प्रत्येक भिडियो अपडेट प्रथम पाइबापी। तेज चलत फ्रेंड्स, डेरी नक आज समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकईवा। आसुची बड़ खबर, आज ओडिशा गस्तरे आसुचंती प्रधानमंत्री मोदी, आकाशमार्गरु करिवे स्थितिर समीक्षा। तेबे आज बात्या यासर क्षयक्षति समीक्षा करिवे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी आज ओडिशार बालेश्वर और भद्रक जिला को आकाशमार्गरु बुली देखिवा सहित स्थिति समीक्षा करिवे। यहापर प्रधानमंत्री भुवनेश्वर आसी सेठारे एक गुरुत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करिवे। तेबे एही बैठक रे से किछि स्वतंत्र पैकेज घोषणा करिपारंती बोली अनुमान करा जाउछि। टोल प्लाजा रे 100 मीटर अधिक गाड़ी लाइन लगिले देवा को पड़बनी आउ टैक्स। तबे भारतीय जातीय राजमार्ग प्राधिकरण सारा देश रे टोल प्लाजा रे जानमानन को वेटिंग टाइम कम करबा नै टोल प्लाजा को नै नुआ निर्देशनामा जारी करिछि। एनएचएआई कहिछि कि प्रत्येक जान को 10 सेकेंड रे सर्विस दिया उचित। तबे एनएचआई एक बयान रे कहिछि जे नुआ निर्देश परे टोल प्लाजा रे वाहन को 100 मीटर अधिक लाइन लगैबा को आउ पड़बनी। जदि टोल रे कोनोसी कारण रो गाड़ी रो लाइन 100 मीटर अधिक हुए तबे सही स्थिति रे समस्त वाहन को बिना टोल रे जीवा को अनुमति दिया जिवो, जेउ पर्यंत टोल गेट रे गाड़ी लाइन पूर्णी 100 मीटर भितरे पहुंच जाउनी। परवर्ती आसुची आउ एक बड़ खबर, कोरोना रे अनाथ होइतिबा पिलांको प्रति मास मिलिबो 2000 टंका। तबे कोरोना महामारी उजाड़े देइछि एबे अनेक घर। एबे भी सारा देश रे जारी रहिछि कोरोनार प्रकोप। एहारी भितरे केरलर मुख्यमंत्री पी विजय कहिछन्ति जे जेउ पिलामानंकर बापा मा मरिछन्ति सेमानंकु 3 लक्ष टंका गोटिए थररे आर्थिक सहायता दिया जिवो। से कहिछन्ति कि जे एही पिलामानंकु 18 वर्ष पर्यंत मासकु 2000 टंका मध्य दिया जिवो। एहा सहित राज्य सरकार मध्य पिलामानंकर डिग्री स्तर पर्यंत शिक्षा खर्च बहन करिवे। परवर्ती आसुची आउ एक बड़ खबर, समस्तंक खाताकु जिवो सहायता राशि। ममता कहिले पश्चिमबंगे बात्या यास जो होती 15,000 कोटी टंकार क्षति। तेबे एबे चली जाइछि बात्या यास, एबे क्षयक्षति आकलनर समय। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य ओडिशा एवं पश्चिमबंग गस्तरे आसुचंती। तेबे एहारी मध्यरे प्राथमिक पर्यायर उद्धार कार्य पई 1000 कोटीर प्याकेज घोषणा करिछंती ममता। मुख्यमंत्री कहिछंती कि एबे जाय आकलन अनुसार 15,000 कोटी टंकार क्षयक्षति होइछि, एहा प्राथमिक आकलन। तबे 3 जून एवं 18 जून मध्यरे गाँव में क्यांप लगे, सेठारे लोके घर एवं शस्य क्षति को नहीं सूचना देवे। 19 जून रु 30 जून पर्यंत जांच हेबो। तबे 1 रु 8 जुलाई मध्यरे समस्त प्रभावित लोकों बैंक खाता को सहायता राशि प्रदान करा जिवो। शिक्षानुष्ठान को जाउथुबा बस उपरू टिकस छाड़ हला। तबे समस्त शिक्षानुष्ठान को यातायात करुथुबा बस गुड़िको उपरू आम राज्य सरकार टिकस छाड़ करिछंती। एथिसह स्ट्रेच कंट्राक्ट क्यारेज गुड़िको उपरू मध्य अतिरिक्त टिकस छाड़ करा जाइछि। तबे एप्रिल ओ मे मास पई एही टिकस छाड़ होइछि। वाणिज्य ओ परिवहन विभाग पक्षर प्रकाशित विज्ञप्ति रे उल्लेख करा जाइछि जे बस मालिक संघर दाबी गुड़िको विचार को नै उपरोक्त निष्पत्ति निया जाइछि। परवर्ती आसुची आउ एक बड़ खबर, मात्र 30 मिनिट हेबो सीबीएसई द्वादश बोर्ड परीक्षा। तबे कोरोना महामारी पई एबे समस्त शिक्षानुष्ठान बंद रहितबा बेले विभिन्न परीक्षा मध्य बंद रहिछि। एभली स्थिति रे सीबीएसई द्वादश बोर्ड परीक्षा करबा नै अनेक प्रश्न उठुतबा बेले केन्द्र शिक्षा मंत्रालय मात्र 30 मिनिट परीक्षा कराई पारंती बोली विशेष सूत्र सूचना मिलिछि। तबे 30 मिनिट परीक्षा रे छात्र छात्री मानंकु निज निज विषय उपरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पचरा जिवो। तबे परीक्षार फॉर्मेट एवं एहा क्यों तारीख रे हेबो से नै जून 1 रे केन्द्र शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल घोषणा करि पारंती। ह्रास पाउची संक्रमण, जून 1 रु 9 रु 12 श्रेणी पर्यंत स्कूल खोलिबार संभावना। तबे संक्रमण भितरे स्कूल खोलिपारे, हरियाणा रे संक्रमण ह्रास पाउथुबारु स्कूल खोलिबार संभावना देखा दैछि। राज्य रे आरोग्य हार 94.38 रे एबे पहुँचिछि। एभली परिस्थिति रे जून 1, 2021 रु विद्यालय 9 रु 12 श्रेणी पर्यंत खोलिबा पई विचार विमर्श चलिछि। राज्य रो समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को एनी चिठी पठाइछंती शिक्षा निर्देशालय। स्कूल रो बेंच कोठरी सहित भित्तिभूमि संबंधी तथ्य पठाइबा को निर्देश दिया जाइछि। पानी पागो को नहीं आसुची परवर्ती खबर, बात्या परे 30 रु
ପୁଣି କାଳବୈଶାଖୀ, ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ପରେ ପୁଣି କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ପରେ ପରେ ପୁଣି ମୌସୁମୀ ଆସିଯିବ। ବାତ୍ୟା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା, ଭିଜିବ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରୁ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, କେଉଁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି 7ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିହେବ। ତେବେ ଇଂରାଜୀରେ ଦକ୍ଷତା ନଥିଲେ ବି ଏବେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ରଖିନଥିବାରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପ୍ରତି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ଇଂରାଜୀ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ନକରି ଅନ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟରେ ମନ ବଳେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ AICTE ଏହି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। AICTE କହିଛି ଯେ ଏବେ ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ ସହିତ ମୋଟ 7ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିହେବ। ଏହି 7ଟି ଭାଷା ହେଲା ହିନ୍ଦୀ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ କନ୍ନଡ଼ ଏବଂ ମାଲାୟାଲାମ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି AICTE। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତେବେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ରେ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପବନ ଘର ଯୋଗୁଁ ଘରକାନ୍ଥ ଧସିଯିବାରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ପଳାସମୁଣ୍ଡୁଳି ପଞ୍ଚାୟତର କୁସୁମକୁଟି ଗ୍ରାମର ବୁଧୁନି ସିଂ, ଯାହାଙ୍କୁ 70 ବର୍ଷ। ତେବେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ 0 କାଜୁଆଲିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କେମିତି ବିପଦସଂକୁଳ ଘରେ ରହିଲେ ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବେ ତଦନ୍ତ। ସେପଟେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ଅନନ୍ତ କୁମାର ହାଁସ୍ତା। ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସର ଔଷଧ ଏମ୍ଫୋଟେରିସିନ୍ ବି 1200 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତେବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିବା ଜେନେଟିକ୍ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏମ୍ଫୋଟେରିସିନ୍ ବି ଇମାଲସନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ମ୍ୟୁକର୍ମିକସିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କରାଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟୁକର୍ମିକସିସ୍ ବା ଯାହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଫଙ୍ଗସ୍ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା 7000 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟିକା 1200 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ୟାସ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ମୁକାବିଲା ନେଇ ରଣନୀତିରେ ମିଳିଲା ସଫଳତା। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଆକାରରେ ୟାସ୍ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ 3 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହାର ଗତିପଥ ଓ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହାର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ୟାସ୍ର ଗତିବିଧିକୁ ଦିନରାତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏହାର ଟିକ୍ନିକ୍ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସେହିପରି IMD ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାମଣି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଡେଲ ଆଧାରରେ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ବିଶେଷର ଅବଦାନ ରହିଛି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କର। ତେବେ ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି NDRFର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ। ବିଶେଷ କରି ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଫର୍ସ ମୁତୟନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଟଳିବା ପରେ ପୁଣି ରଥଖଳା ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ବର୍ଷା ଓ ପବନ ପାଇଁ 2 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା କାମ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ର ବିପଦ ଟଳିଯିବା ପରେ ପୁଣି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ପୁରୀର ରଥଖଳା। ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ସେବକମାନେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରୁ ପୁଣି ଥରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଆସୁଥିବାରୁ ଗତ 2 ଦିନ କାମ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ରଥଖଳା ଚାଳିରୁ ଚାଞ୍ଚ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଟଳିଯିବା ପରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ରଥଖଳାରେ ତୁମ୍ବ ବିନ୍ଧା ସହ ଗୁଜ କାମକୁ ଏବେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା କୃଷି ବିଭାଗ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେବେ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି କୃଷି ବିଭାଗ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 28 ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ତେବେ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗର କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସମୀକ୍ଷା।
सात दिन मध्यरे घर भंगा क्षतिर रिपोर्ट देवाकु निर्देश। तेज आकाश मार्गरु बात्या प्रभावित अंचल बुलिबा परे बात्या पुनरुद्धार समीक्षा करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। सात दिन मध्यरे प्रभावित जिल्लागुड़िक घर भंगा क्षतिर आकलन करने को निर्देश देते नवीन। तेरे समस्त मरामति और पुनरुद्धार कार्य को युद्धकालीन भित्ति करने सहित पानी जल और विद्युत सेवा को स्वाभाविक करने को परामर्श देते नवीन। बात्यापाई स्थानांतरित लोकों पर सतर्क दृष्टिपाई निर्देश। बारटी जिलार जिलापा चिठी लिखला स्वास्थ्य विभाग। तेरे बात्या यास एवं ओडिशा छाड़ सारी लोक मैंने बात्या आश्रयस्थल छाड़ी एवं घर मुहां हेले एपरी स्थित कोरोना संक्रमण बढ़िवार अनेक संभावना रही जहाँ को आखिआगे रखी आज बारटी जिलार जिलापा चिठी लिखी स्वास्थ्य विभाग। बात्यापाई स्थानांतरित होता लोकों पर प्रशासन नजर रखा सहित से पाखे करोना लक्षण देखाऊँगी कि ताऊपर नजर रखा निर्देश दीजिए। निज क्षेत्र में रिलायंस आरंभ कला मागणा टीकाकरण। 880 सहर से निजर कर्मचारी और तांकर परिवार लोकों मागणे दिजिव टीका। तेज सारा देश में लोक मान कोरोना भूताणु रक्षा करने को चली टीकाकरण अभियान को पुणी थे एवं द्रुत कर मे मसू आरंभ होता टीकाकरण अभियान में 18 वर्षर अधिक वयस्कों को टीका दि जाऊँगी। क्रम देशर सबुठ बड़ शिल्प संस्था रिलायंस इंडस्ट्रीज देश को कोरोना मुक्त करने को सबुठ बड़ मागणा टीकाकरण अभियान आरंभ कर। टीकाकरण अभियान में कंपानी तरफ निजर कर्मचारी और सेमकर पर लोके कंपानी सहभागी और सेमकर पर लोकं टीका देवा एक विस्तृत योजना कर। देश और राज्य में कोरोना पॉजिटिव संख्या को नहीं आसूँ परवर्ती खबर। देश में कोरोनार मीटर 24 घंटे 211,298 नुआ आक्रांत चिन्ह 3,847 जन मृत्यु। सेपटे राज्य में टेस्टिंग कमिबारु कमिला आक्रांतों संख्या। राज्य में गत 24 घंटे 6,736 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्ह। जोता मागिबारु दलरु बाहरी पारंती खेलाड़ी। तबे जिम्बाब्वे क्रिकेटर उद्यमान खेलाड़ी रियान बर्ल को दलरु काढ़ी दिया जाई पारे। वास्तव में जोता प्रयोजक खोजिबा कारणरु एबे से अनेक असुविधा पड़िचंती। खबर अनुजाई जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड बर्ल को उपरे अत्यधिक रागिछि एवं श्रृंखलागत कार्यनुष्ठान ग्रहण करने को चिंता करुछि। तबे सूचना थाउ कि जे बर्ल सोशल मीडिया रे तांको फटा जोतार चित्र पोस्ट करते। रियान बर्ल एक ट्वीट जरिया जिम्बाब्वे क्रिकेट दल पर प्रयोजक खोजी। बर्ल को एही आवेदन परे जोता कंपनी पुमा जिम्बाब्वे क्रिकेट दल को नुआ जोता पठाई। तेरे घटना को नहीं जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड तांपे खपा हो। तेरे सूचना था कि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड गत किसी वर्ष धरी आर्थिक संकट के सम्मुखीन होती। खेलाड़ी को ठीक समय मैच फी देखे टंका नहीं। तांको बापा भी स्वामी रामदेव को गिरफ्त करिपारिबे नाही रामदेव को सूचना। तेबे सेमानंको बापा भी स्वामी रामदेव को गिरफ्त करिपारिबे नाही। सेमाने गुंडा रामदेव महागुंडा रामदेव रामदेव को गिरफ्त कर आदि ट्रेंड करुचंती। सेमाने करंतु आम लोके एभली ट्रेंड प्रति अभ्यस्त हो जाइचंती एवं आम ट्रेंड सर्वदा शीर्षरे पहुँचे बोली संप्रति सामाजिक गणमाध्यम प्रसारण होउतबा रामदेव को गिरफ्त कर ट्रेंडर प्रत्युत्तर दे बुधवार दिन एक नुआ वीडियो रे रामदेव कहिचंती। तेबे COVID-19 चिकित्सा निमंते एलोपाथी औषध विषय विवादीय मंतव्य देथिबार रामदेव को गिरफ्त करिबा लागि केतेक ट्विटर व्यवहारकारी सरकारी कर्तृपक्ष को कहिथिले। तार प्रत्युत्तर रे रामदेव एभली प्रत्युत्तर देइचंती। बात्या यास जोगु जनता को सतर्क करैबा को आंचलिक भाषा रे 6 कोटी मैसेज पठाइछि टेलीकॉम विभाग। तेबे ओडिशा एवं पश्चिमबंग टेली जोगाजोग सेवा उपरे सामुद्रिक बात्या यास रो प्रभाव सर्वनिम्न थिबा कथा बुधवार दिन टेलीकॉम विभाग सूचना देछि। किंतु सामुद्रिक बात्या विषय सचेतन करैबा लागि ओडिशा पश्चिमबंग एवं आंध्रप्रदेश जनता निकट को टेलीकॉम विभाग आंचलिक भाषा समुदाय 6 कोटी मेसेज बा बार्ता प्रेरण करिथिला। तेबे आपण माने बात्या यास संपर्क में पूर्व बात्या समय कौन सी भी मेसेज आपंक आसीला कि नहीं दयाकर कमेंट बक्स जनवाई अनुरोध। तेज समय फ्रेंड्स वीडियो को ये रखार वीडियो केमती लगेगा आपण मन को मतामत कमेंट बक्स जनवा सहित वीडियो को लाइक शेयर और आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन को प्रेस कर रखु आम प्रति वीडियोर अपडेट प्रथम पाइबापी परवर्त वीडियो आगे नुआ जिन जानवा सहित देखा से विदाय दिंतु। धन्यवाद।